Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only for Nitish, this channel is for your loving brother Nitish Kumar. Guys, आज हम लोग जो है जो एग्जाम होने वाला है मैट्रिक बोर्ड का नवंबर दिसंबर में 2021-22 का उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक के आधार पे आधारित तैयार किया गया है बहुत ही मजा आने वाला है। ये क्वेश्चन सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सीधा आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जा सके और किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल आपको झेलने को ना पड़े। दोस्तों इस चैनल में किसी भी तरह का आप वीडियो देखने के लिए आप तत्पर हैं। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया, प्लेलिस्ट में जाकर आप वन बाय वन करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस एटसेट्रा, जनरल कॉमर्स का कोई वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों तो चलते हैं, दोस्तों वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जांच कीजिए कि एक्स टू एक्स प्लस थ्री बराबर एक्स स्क्वायर एक द्विघात समीकरण है या नहीं। दोस्तों द्विघात समीकरण क्या होता है कि जिस समीकरण के पावर में टू होता है, पावर में क्या होता है, टू होता है। और द्विघात समीकरण होने के लिए दोस्तों एक आपको याद रखना पड़ेगा ट्रिक्स होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में आपको लाना है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन करने के बाद अगर आंसर इसमें आ रही है तो क्वेश्चन जो होगा वो द्विघात समीकरण होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं आ रही है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है चलते हैं सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके, मेरे ख्याल से आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप क्या करें यहां पे वन बाय वन करके मल्टीप्लाई कीजिए। दोस्तों एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स के पावर टू, क्योंकि यहां पे वन है पावर में, यहां भी वन है तो पावर जुड़ता है। दोस्तों प्लस का साइन हुआ, प्लस गुने प्लस, यहां प्लस होगा, एक्स को थ्री से गुना करेंगे क्या होगा थ्री एक्स। दोस्तों इसके बाद इसको सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या करें, एक ग्रुप को एक साइड में लिखिए, चलते हैं ग्रुप में लिखते हैं, टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये है प्लस में इधर ले आइए, ये ग्रुप के साथ लिख दिया एक्स स्क्वायर, और प्लस थ्री एक्स अपने ही घर में, कोई भी अपने ही घर में रहे अर्थात कह सकते हैं कि जो साइड उसका दिया हुआ उसी साइड में रहेगा तो कोई भी साइड चेंज नहीं होता है। दोस्तों ये देखिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, अब इधर कुछ नहीं बचा तो बचा जीरो। यहां पे क्या होगा दोस्तों, प्लस माइनस घटता है, घटा दीजिए, टू एक्स स्क्वायर में से वन एक्स स्क्वायर चला गया तो वन बचेगा, वन एक्स स्क्वायर। वन लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, इट इज डिपेंड ऑन योर डिजायर। ओके नाउ आफ्टर दैट थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, वी कैन से दैट हियर्स दिस क्वेश्चन हैज सॉल्व इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सो दैट इज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन जो इस फॉर्म में आ गया है दोस्तों तो यहां पे लिखना पड़ेगा, चूंकि दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, एग्जाम में आया था। दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, है नहीं है या दोनों है, कुछ भी दिया रहेगा आपको टिक मार के आना है। बस इसको आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, सीधा एग्जाम में चार ऑप्शन लेगा, बहुत ही इजी होगा। एग्जाम से पहले आप लोग इतना सारा क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू जो है इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही मजा आने वाला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों x माइनस टू दिया हुआ है होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। अब क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है डायरेक्टिव फॉर्मूला पे भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो वन बाय वन करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम सिंपल मेथड से आपको सॉल्व कर देते हैं, x माइनस टू नो फॉर्मूला, x माइनस टू लिख दीजिए प्लस वन लिख दीजिए टू एक्स माइनस थ्री, एक अगर गुणा कीजिए दोस्तों
इससे गुना करेगा प्लस 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 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू एक्स माइनस प्लस माइनस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस फोर प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अब क्या करना है दोस्तों, जो एक जैसा ग्रुप है उसको एक साइड में लिखिए। देखिए हम आपको क्या करना, एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस जुट गया माइनस फोर एक्स, इसके जैसा ये दिख रहा है इधर आ गया माइनस टू एक्स और इसको इसको जोड़ देंगे फोर और वन फाइव और ये इधर आ जाएगा दोस्तों थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं एक्स स्क्वायर छ एक्स प्लस 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 इक्वल टू जीरो। तो ये भी दिस क्वेश्चन हैज कम इज फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में है अतः यह द्विघात समीकरण है। दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आराम से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। आप लोग एग्जाम से आने से कम जो है 400 से 500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग इस जो है चैनल में बने हुए रहिएगा, अपने दोस्तों को जो है शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है आप लोग को मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।